आज बहुत मजा आने वाला है ना इंशाल्लाह। तो हमें ना ऐसे झूले आ रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ, झूले खाने की जरूरत नहीं है। वैसे इस रोड पे चल पड़ो तो झूले झूले हैं, यहाँ से ना केले ले लेते हैं, इसको पकड़ लिया है। अभी इसकी टांगे जो है ना वो बांध ली हैं, तो अभी गाड़ी का शीशा साफ हो रहा है, मिट्टी होती है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज हम जा रहे हैं बेटे के ससुराल, तो बाकी मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बच्चे भी तैयार हो चुके हैं, लास्ट बोतल मैंने उठा लिया है। तो तकरीबन 6 माह हो चुके हैं, मैं जो है ना अपनी बहू को मिलने नहीं गई थी। बिस्मिल्लाह घर के ताले लगा लेती हूँ। ताला जी भी हम लोगों ने लगा लिया है, दोनों मेरे बेटों ने जो है ना खेड पहनी हुई है, दूहे भी दिखाए अपनी, तो मेरे ख्याल में इसने साफ भी नहीं किया। साफ किया है बाहर में जी, मिट्टी है ना। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ये बचने के लिए कह रहा है। चलो बेगम देर हो रही, जल्दी करो, ये अम्मी जी लेट रात खाई है। नहीं, एक एक सामान समेट कर इस वजह से लेट हो गया। अभी सलाम कर लो बहन भाई। अस्सलाम वालेकुम सब बहन भाई, कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। सबसे पहले तो माजरत, हम सब के व्लॉग नहीं आ सके, तो जब भी हमें देर हो रही है रवाना होते हैं। हाँ जी, टाइम तकरीबन 11 का होने वाला है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा मैं भूल गई, इधर से बैठ गई, हमें देखना याद रखना है ना। अब आप बताते हैं। हाँ जी, बाड़ी में चली है जान। तो जी आप सब बहन भाइयों ने हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि हम लोग खैर खैरियत से जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। आज बहुत मजा आने वाला है ना इंशाल्लाह। अभी जी हम लोग शहर पहुंच चुके हैं, सबसे पहले गाड़ी में हवा डलवाते हैं, उसके बाद जो है ना हम लोग अपना सफर चालू करेंगे। आप लोग थोड़ा सा बाहर का व्यू देखें, ये इस तरह है। आज तो धूप भी बहुत ज़्यादा है, ये फूल वगैरह खड़े हैं लटके हुए, ये मतलब शादियों में जो इस्तेमाल होते हैं ना। ये सामने वाली गाड़ी में ना हवा भी डाल रही है, इसके बाद हमारी बारी होगी। तो जी अभी जो है ना हम लोगों ने हवा डलवा ली है, अपने सफ़र पे रवाना होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने भी दुआ करनी है, अभी क्या करना है? ये टंकी फुल करा दो पेट्रोल की। अच्छा चलो, ये जो जानवरों का जो है ना चारा लेके जा रहे हैं, नीचे घास है, ऊपर जो है ना ये औरतें बैठी हुई हैं रेड़े पे लेके जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने मिठाई भी रास्ते से लेनी है और जो है ना फ्रूट भी लेने हैं, आज का सीज़न है सेब का, तो वो लेंगे। ठीक है, जो कहती वही ले लेंगे। हाँ जी, ये नया पेट्रोल पंप बनना है, तो यहाँ से जो है ना पेट्रोल डलवाते हैं। तो ये आज मैं देख रही हूँ पहली बार, इधर मैं आई कभी नहीं हूँ ना पहले, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है, तो हम लोग जो है ना टैंकी फुल करवाएंगे। अभी गाड़ी का शीशा साफ हो रहा है, मिट्टी होती है ना, ये ना शीशे वाले को दे दो, ठीक है 50 रुपये। हाँ जी, कोई खुश हो जाते हैं ना। वैसे भी जो है ना ये मैं खुले पैसे रखती हूँ, जब भी हम सफ़र पे जाते हैं ना, तो मैंने स्पेशल ये खुले कराए, अभी पास में डालती हूँ। तो जी ये जो है ना ये जानवर जो ऊँट होते हैं ना, ये देखें आप लोग, ये ऊँट जा रहे थे तो बच्चे भी देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, आगे भी खड़े हैं, ये जो है ना दरख्त ये खा रहे हैं, देखें कितने जो है ना ये वैसे देखने में कितना खूबसूरत होते हैं। ऊँट का गोश्त किस मेरे बहन भाई ने खाया हुआ है, तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है। हम लोगों ने खाया हुआ 2-3 बार खाया हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, लजीज बनता है। आप लोग भी ऊँट का गोश्त खाएं,
तो आपको यकीन है मज़ा आएगा, है ना। हम लोग तो लेते हैं, शौक से लेते हैं, शौक से खाते हैं। ये बीमारियों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। हाँ, दूध भी पिया हुआ है, दूध भी हम लोगों ने पिया हुआ है। दूध तो महंगा है, 400 रुपये किलो था। अभी दूध वाले के काम चेक करें, ये जो है ना बैठा हुआ है ऊपर औरत तरफ। ये जिस रोड पे हम लोग जा रहे हैं ना, ये टूटा फूटा है, तो ऐसे जंप ही लगते हैं गाड़ी को ना, तो हमें ना ऐसे झूले आ रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। इस तरफ झूले खाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे इस रोड पे चल पड़ो तो झूले झूले आए। मेरी हुकूमत पंजाब से अपील है मरियम नवाज साहबा से, ये बिहारी वाला रोड बनवा दें, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि हमारा रास्ता, हम इस रास्ते से आएंगे जाएंगे, है ना। इस क्लिप को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक हमारी वीडियो पहुंचे। हाँ जी बिल्कुल। अभी जी हम लोग इधर ना रुक गए हैं, रुक ले लेते हैं। हाँ जी, वैसे भी बना कहीं जाए ना, फ्रूट वगैरह ले जाए, हाथ खाली हाथ ना जाए, मिठाई वगैरह ले आगे पकाया। केले भी ले, आगे से लेते हैं केले, यहाँ से ना केले ले लेते हैं, खूबसूरत है, बड़ी बड़ी फलियाँ हैं। चलो जी, ये केले भी आ चुके हैं, फ्रूट तो हमारा पूरा हो गया है। अभी पर्स संभालो संभालो, मैं जेब में रखूंगा ना। एक घंटे का सफर हम लोगों ने कर लिया है, फ्रूट भी ले लिए हैं, तो दो बार मैंने पानी भी पी लिया है, आपने पानी नहीं पिया। मुझे कोई पिलाएगा तो फिर है, खुद पी रही है दो दफा, मुझे एक दफा नहीं पिया। ये अभी आपको देते हैं, गर्मी है ना, अभी पानी लाजमी है। अभी हस्बैंड जी पानी पी रहे हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तकरीबन 2 घंटे के बाद। बहुत मज़ा आया है सफ़र करके, लेकिन झूले शूले भी थे जो मैंने पहले बताए हैं आप लोगों को। तो इधर सब्जा ही सब्जा है। हाँ जी, ये है कपास की फसल। तो ये अभी जो है ना, मैं आप लोगों को ना इधर रुक के थोड़ा सा व्यू भी दिखाती हूँ, और अपनी टांगे जो है ना वो भी सीधी करती हूँ, गाड़ी ज़रा रोक के। सही, अच्छा अभी जी गाड़ी रुक चुकी है, तो मैं जो है ना उतरती हूँ, थोड़ा धूप शूप भी लगवाती हूँ। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाती हूँ, टांगों भी दर्द करने शुरू कर देती हैं। तो इस तरह होती है जी कपाह की फसल, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये छोटे छोटे जो है ना टिंडे लगे हुए हैं, अभी इसको कपास लगी हुई नहीं है, क्योंकि गांव है ना, तो गांव में मज़े होते हैं। वैसे जो है ना जो औरतें होती हैं इनकी भी बहन मजदूरी अच्छी निकलाती है। अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ धान की फसल, चावल जो खाते हैं। ये है जी धान की फसल, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, ये धान की फसल इस तरह है। ये देखें ना, ये घर के चावल हो जाते हैं। जो धान की फसल होती है ना, इसमें ना 24 घंटे पानी खड़ा रहता है, बाकी ये है मुझे पता। तो बाकी अभी ये सब गाड़ी में बैठे हैं, मैं तो उतर गई हूँ, सब बैठे हैं। मैंने कहा मैं थोड़ी सी टांगे सीधी कर लेती हूँ, फिर जो है ना चलते हैं। अभी जी 12 भी बज चुके हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट का सफ़र है, तो फिर जो है ना वहाँ जाके आप लोगों को व्यू दिखाएंगे। ये देखिए सुकून से बैठे हैं। आ जाओ आ जाओ, देर हो गई है। अच्छा, खुला हुआ कि पैसे ना गिरते रहना, मैं ये कह रहा हूँ। अभी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, ये अभी जोर से नहीं हुआ है ना। चले। हाँ जी। अभी मेरे पाँव ना मट्टी मट्टी हो चुके हैं, गाड़ी को भी मट्टी लग जाएगी, फिर आपको साफ भी करनी पड़ेगी, है ना। कोई बात नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा, क्या करूं। हाँ जी, तो अभी हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं, तो अभी उतरते हैं, ठीक है। ये पर्स और फ्रूट भी उठा लेती हूँ। ये उतर आए आप? जी जी उतर आए, माशा।
अभी जी शाम के 6 बज चुके हैं, तो पूरा दिन जो है ना हम लोगों ने इधर गुजारा है, बहुत मज़ा आया है। और जाते जाते जो है ना हम लोग देसी मुर्गा भी लेके जा रहे हैं, जुहेब ने इसको पकड़ लिया है, अभी इसकी टांगें जो है ना वो बांध ली हैं। तो इनके ना बाजी के बहुत सारे थे देसी मुर्गियाँ और मुर्गे देसी अंडे भी दे रही थी, तो हम लोगों ने जो है ना उन लोगों ने हमें ये जो है ना दो कहा कि दो ले जाओ, लेकिन हमने कहा हम एक ही ले जाते हैं, इनको दब्बा करेंगे फिर जो है ना खाएंगे। अभी जी चलते हैं घर, क्योंकि 2 घंटे लग जाएंगे जाते हुए, क्योंकि रोड उधर ना खराब भी है, फिर अंधेरा भी हो जाएगा ना।